हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेल, मार्केट्स के अंदर पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है। बट अभी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लास्ट 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। 17,700 17,800 निफ्टी का नीचे में सपोर्ट बनता है, ऊपर में 18,200 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है, 18,100 18,200। इधर साइड ब्रेकआउट, अब की बार बड़ा मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। मेरा जो रीडिंग है वो यही बोलता है कि बायस ऊपर का ही रखना चाहिए और ऊपर का मूव ही देखने को मिलेगा। आई थिंक ये जो करेक्शन है, ये जो छोटा मोटा डीप है, ये जो छोटा मोटा साइडवेज मूव है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड मार्केट इज प्लेइंग विद द पेशेंस, मार्केट इज प्लेइंग विद द पेशेंस ऑफ पीपल। सो आई थिंक पेशेंस रखे, पेशेंस के साथ एक बार पोजिशन होल्ड करें। निफ्टी 18,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है तो 18,250 18,400 ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में निफ्टी में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 17,700 17,800 सपोर्ट है, डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रखे चले। बैंक निफ्टी हैज गिवन गुड करेक्शन इन लास्ट कपल ऑफ डेज, बट आई थिंक दीज लेवल्स आर गुड लेवल्स टू इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। नीचे में जो सपोर्ट है 37,500 37,500 लेवल्स का है, ऊपर में जैसे ही 38,500 39,000 के लेवल टूटेंगे तो 40,000 प्लस के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। यानी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 40,000 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और डिप्स में खरीदारी करें, बट हाँ स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि इस बार अगर सपोर्ट टूटते हैं तब तो करेक्शन आएगा, चांसेस कम लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है ऊपर का मूवी देखने को मिलेगा। बैंकिंग में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखें, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स वापस से करेक्शन के बाद अब बाइंग जोन में आ चुके हैं और यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। इसके बाद आईटी स्टॉक्स में नजर रखिए, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। पूरा आईटी पैक मजबूत है, तो जैसे ही मार्केट्स में रिकवरी स्टार्ट होगी, तेजी स्टार्ट होगी, तो आईटी स्टॉक और भी अच्छा ऊपर का मूव दिखाएंगे। तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, इनके अंदर नजर रखिए। यहाँ से सीएमपी से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है और टीसीएस में 200 से 250 रुपए तक का मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आई थिंक आज का पॉडकास्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प और स्वीट रखेंगे, जिसके अंदर निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी बात कर लिया और 2 सेक्टर्स का भी हमने जवाब दे दिया। आज वेनेसडे को हमें लगता है मार्केट यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए, अगर रिबाउंड कर गया और पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई तो थर्सडे और अगले हफ्ते में एक अच्छा मूव फिर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।